दोस्तों, आज आप लोगों से कुछ बातें करनी है। आप लोग देख सकते हो कि किस जगह पर हम अभी खड़े हुए हैं। यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है, और बात ये करनी है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही बड़ा मतलब प्रशंसक हूँ, उनका एक प्रकार से कह सकते हो कि फ़ैन हूँ, और उनकी ज़्यादातर मैंने जो उन्होंने लेख लिखे हैं उसको पढ़ा हूँ। दोस्तों, उनका एक लेख मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एक जगह पर वो लिखते हैं कि ये जो मजहब होता है ना, ये खिदमत का नाम होता है, लूट और कत्ल का नाम मजहब नहीं होता है। इस लाइन से दोस्तों बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ। आज हर धर्म में दोस्तों, किसी एक ही धर्म में नहीं, हर धर्म में यही हो रहा है। लोग ये धर्म को एक दुकान बना रखे हैं, और इसी धर्म का सहारा लेते हुए दोस्तों हमारे ही देश भारत में ही नहीं, पूरे मतलब दुनिया में दोस्तों जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, और अभी धर्म के नाम पर जिस तरह की नफरत है, वो दोस्तों बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को भली भांति इसका ज्ञान होगा, लेकिन दोस्तों गिने चुने लोगों जो इन सभी चीज़ों को समझ सके हैं, उन्हें में से सबसे अच्छे जिसको मैं मानता हूँ वो मुंशी प्रेमचंद हैं। वो यही बात लिखते हैं कि जो मजहब होता है ना, वो खिदमत का नाम होता है, लूट और कत्ल का नाम मजहब नहीं होता है। आज दोस्तों अगर हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं, किसी धार्मिक किताब को पढ़ते हैं, तो उसमें यही सब लिखा होता है कि खिदमत के ही द्वारा ईश्वर मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, अल्लाह मिलते हैं। लेकिन दोस्तों जिस चीज़ से हमारे समाज को, हमारे देश को फ़ायदा होगा, उस चीज़ को दोस्तों ये नेता लोग, ये जो हमारे धर्मावलंबी लोग हैं, इसी चीज़ को दोस्तों छोड़ दिए हुए हैं, और वो धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं, वो एक दूसरे से नफरत करवाना सिखाते हैं, और यही चीज़ दोस्तों हमको बहुत ही बुरी लगती है। और एक बात और दोस्तों, कि जब मैं क्लास 10 में पढ़ता था, हाई स्कूल में पढ़ता था, उसमें दोस्तों मैं आतंकवाद के बारे में काफ़ी पढ़ा। उसमें एक निबंध था आतंकवाद के बारे में, उसमें दोस्तों हमारे विद्वान लोग जो हैं वो लिखते हैं कि आतंकवाद से कोई भी समझौता देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें उनसे दोस्तों करो या मरो से मतलब निपटना ही चाहिए। उन लोगों को दोस्तों कभी क्षमा ही नहीं करना चाहिए, उनको तो फांसी पर चढ़ा ही देना चाहिए। आतंकवादियों से दोस्तों समझौता देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और ऐसे सभी दोस्तों तत्व जो हमारे देश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, उन पर दोस्तों हमें बहुत ही कड़ाई से उस चीज़ पर हमको दोस्तों मतलब फैसला लेना चाहिए, और इस चीज़ पर दोस्तों पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। आप लोगों ने दोस्तों देखा ही होगा कि मुंबई में किस तरह के आतंकवादी हमले हुए, पंजाब में दोस्तों, और फिर दोस्तों सिर्फ आतंकवादी एक ही रूप में नहीं होता, उसका कई रूप होता है। आप मणिपुर में भी देख सकते हो कि किस तरह की मतलब आतंकवादी गतिविधि हुई दोस्तों, औरतों को दोस्तों नग्न कर घुमाया गया, और बच्चों को, औरतों को, बड़े बूढ़ों को दोस्तों कत्ल किया गया। ये सब दोस्तों आतंकवादी का ही रूप है, और हम कहते हैं कि दोस्तों जो लोग ऐसे चीज़ों में मिले, संलिप्त मिले, उनको दोस्तों फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। इससे दोस्तों समाज में और पूरी दुनिया में मैसेज पहुंचेगा, और जो इस तरह के लोग करने वाले हैं वो ऐसे चीज़ों को करने से दोस्तों उससे बाहर सोचेंगे। आप लोगों से दोस्तों बस ऐसी ही बात कुछ करनी थी, और हमको दोस्तों किसी के मजहब, किसी के धर्म को दोस्तों ठेस पहुंचाना, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था। हमारे दिल में जो था, हमने जो किताबों से पढ़ा, तो वही आप लोगों को दोस्तों बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लेना।